स्टूडेंट वाइटल साइन के टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, एक तो बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और इनके डॉक्यूमेंट और इनकी रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी वाइटल साइन हम मॉनिटर कर रहे हैं उनका एक तो रिकॉर्ड तैयार करना है, उनकी रिपोर्टिंग भी देनी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको ओनली फॉर ओनली वाइटल साइन के गाइडलाइन फॉर टेकिंग वाइटल साइन ओनली फॉर ओनली ये टॉपिक करवाने जा रही हूँ, पढ़नी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट वाइटल साइन क्या होते हैं, कहते हैं जो वाइटल साइन होते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि जो भी हम पेशेंट के असेसमेंट करता है एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक बेसलाइन डाटा को प्रोवाइड कराते हैं कि पेशेंट की बॉडी की जो भी फंक्शन और जो भी उसकी कंडीशन है उसके बेसलाइन डाटा को प्रोवाइड कराएंगे कि उसकी बॉडी की फंक्शन उसकी कंडीशन क्या है। तो वाइटल साइन के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, एक तो बॉडी टेम्परेचर को हम मोनिटर करते हैं, पल्स को, रेस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को, यही क्या इसके कंपोनेंट है। अगर मान लो कल को अगर आपके पेपर के अंदर आ जाए कि वाइटल साइन क्या होता है, तो आप वाइटल साइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट होती है पेशेंट की, जिस जो कि एक बेसलाइन डाटा को पेशेंट बॉडी की फंक्शन और कंडीशन के बेसलाइन डाटा को जो प्रदान करता है। उसके बाद आप किसकी हेडिंग डालोगे, कंपोनेंट, यानी कि जो वाइटल साइन होता है इसके अंदर ये किस किस समय का बनना होता है, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ मेजरमेंट करते हैं। एक वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड होते हैं बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे कि हम इस बुक में इसमें फ्लो चार्ट के जरिए भी इसने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट ये कहना चाहता है, अनदर डेफिनेशन बता रहा है कि जो वाइटल साइन होते हैं ये क्विक एंड ईजिएस्ट वेज टू मोनिटर पेशेंट कंडीशन, यानी कि वाइटल साइन जो भी होते हैं क्विक होते हैं और एक ईजिएस्ट मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को मोनिटर कर सकते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, ठीक है। ये हेल्प करता है नर्सिंग असेसमेंट में और एक इसकी तरह एक्ट करता है एक प्लानिंग में, यानी कि जब हम पेशेंट की कंडीशन को असेस कर रहे हैं, उसके बेसलाइन डाटा को असेस कर रहे हैं, तो एक इसके ज़रिए हम प्लानिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को अब हमने क्या देना है, यानी कि प्लानिंग में ये हेल्प कराता है। कि तो वाइटल साइन असस्ट एंड रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जो वाइटल साइन है ये हम कब असस करते हैं, कब रिकॉर्ड करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एमरजेंसी और इन वार्ड, और पेशेंट के जो भी रेगुलर इंटरवल होते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उसके इंटरवल पे करते हैं। तो अभी तक हमने तीन क्वेश्चन पढ़ लिए, तीन बातें पढ़ ली। पहली बात तो ये कि वाइटल साइन होते क्या है, ठीक है, वाइटल साइन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट होता है जो कि पेशेंट का बेसलाइन डाटा प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद कंपोनेंट में कि ये चार कंपोनेंट है, बॉडी टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि जो वाइटल साइन होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद आता है कि पर्पज़, ये जो भी इसका यहाँ से जो भी पॉइंट है ये पर्पज़ में आप लिख सकते हैं कि वाइटल साइन आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एडमिशन के टाइम पर, एमरजेंसी वार्ड, या कोई भी पेशेंट को जब आप हॉस्पिटलाइजेशन करते हो तो उसके रेगुलर इंटरवल के। अब आता है मेन गाइडलाइन के बारे में। तो गाइडलाइन में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, या नर्सिंग स्टूडेंट को या बींग ए नर्स आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, वाइटल साइन के अंदर मतलब कि कोई भी चेंज आ रहा है उसकी उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि वो फाइंड कर रही है एनी डेविएशन, कोई भी नॉर्मल से कोई भी एनी डेविएशन यानी कि कोई भी चेंज हो गया है तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली वो अवेयर होनी चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी कंडीशन के बारे में जब भी वो वाइटल साइन असेसिंग करेगी उससे पहले। नेक्स्ट उसके पास जो भी वो वाइटल साइन को जब भी मेजरमेंट करेगी उसके पास एक्यूरेट इक्विपमेंट को वो हमेशा चेक करेगी, या कोई भी एरर वगैरह असेसमेंट से पहले उसको चेक करेगी, मतलब कि इक्विपमेंट कि जो भी एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि पहले गाइडलाइन क्या है उसको नॉलेज होनी चाहिए, सेकंड में वो अवेयरनेस होनी चाहिए, नेक्स्ट में उसके पास जो भी इक्विपमेंट जो भी वो आर्टिकल यूज़ करेगी वो एक्यूरेट वर्किंग में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन आपने कौन सी फॉलो करनी है वाइटल साइन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जब भी आप वाइटल साइन पेशेंट का मेंटेन कर रहे हैं नेक्स्ट उसको ये होना चाहिए कि जब भी वो वाइटल साइन लेने जाए वो एक्सप्लेन करे प्रोसीजर को पेशेंट को, ताकि पेशेंट के कोऑपरेशन को वो गेन कर सके। तो नेक्स्ट मेन क्या है,
एक्सप्लेनेशन में है। नेक्स्ट उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि शी शुड हैव नॉलेज, यानी कि उसके पास है ना इंडिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए नर्स को, या बीइंग ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको जब भी आप पेशेंट के वाइटल साइन को मेंटेन कर रहे हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किस इंडिकेशन में आप टेम्परेचर या वाइटल साइन को मेंटेन कर सकते हो, कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट उसको कोई भी चेंजेस वगैरह अगर पेशेंट को अगर वो सिग्निफाई कर रही है, कुछ भी है, कुछ भी चेंज मिल रहा है, तो वो मतलब कि मेन गाइडलाइन के अंदर मेन चार ही बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए उसको इंडिकेशन की, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कोई भी डेविएशन की। नेक्स्ट अवेयरनेस के बारे में उसको अवेयर होना चाहिए, जो भी एक नर्सिंग स्टूडेंट या कोई भी एक नर्स है अगर पेशेंट की ऑब्जर्वेशन कर रही है या पेशेंट के असेसमेंट कर रही है तो पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में उसको अवेयर होनी चाहिए, उसके वाइटल साइन की असेसिंग के पहले उसकी कंडीशन और बाद की कंडीशन के बारे में उसको पता होना चाहिए, और जो भी वो आर्टिकल यूज़ करे वो एक्यूरेट वर्किंग में होने चाहिए। नेक्स्ट है तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ वाइटल साइन होते क्या हैं, ये किस किस से मेकअप बनते हैं, आगे नेक्स्ट हमने इसके पर्पसेस पढ़े और नेक्स्ट हमने क्या पढ़े इसकी गाइडलाइन पढ़ी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बॉडी टेम्परेचर के बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।